हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू विद्या 24, द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, अब उस तरह के क्वेश्चंस को मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि हमें एग्जाम में उनको किस तरह से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे, जैसे कि पजल फॉर्मेट, इंडिकेटिंग फॉर्मेट और आपका कोडिंग फॉर्म। तो यहाँ पर इन तीनों जो फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, वो सभी हमने आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे पजल फॉर्मेट के क्वेश्चंस की। और पजल फॉर्मेट में भी स्टूडेंट्स दो तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक सिंपल ब्लड रिलेशन पे बेस और दूसरा ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन। अब सिंपल ब्लड रिलेशन में स्टूडेंट्स किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि राम के पिता की वाइफ के भाई आपके क्या लगेंगे, तो ये इस तरह का सिंपल ब्लड रिलेशन पे बेस क्वेश्चन होगा। और अगर जो आपके पास प्रोफेशन ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन, वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ए का भाई बी एक लॉयर है, बी की बहन सी एक डॉक्टर है, और फिर इसी तरह से काफ़ी सारे रिलेशन होंगे और फिर प्रोफेशन होंगे और उन पे बेस आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। इस तरह की डायरेक्शन होंगी कि ए का भाई जो है लॉयर है, बी की बहन सी एक डॉक्टर है, इस तरह की डायरेक्शन होंगी और उन पे बेस कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछेगा और उनको आपको सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट, जब ये आपके ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन आपके जो क्वेश्चन जब मिक्सअप हो जाते हैं, तब ये एक पजल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। बस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे उनको ध्यान में रखना है, उनको अच्छे से समझ लेना है और यहां पर किस तरह से उनको सॉल्व करना है, किस तरह से हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे, इस क्लास में आज हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन का टाइप वन, जो कि है प्लस पजल फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने इसको आपको समझाने के लिए कि आपको प्लस पजल फॉर्म में जो क्वेश्चन मिलेंगे किस तरह से यहाँ पर मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ डायरेक्शंस दी हैं, इन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको समझना है, इनको एनालाइज करना है और अपना जो फैमिली ट्री है या फैमिली डायग्राम है जो मैंने आपको समझाया था, उसको हमें किस तरह से बनाना है, सबसे पहले आप वो बनाएंगे और उसके बेस पे फिर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जैसे कि 1 to 5 आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए होंगे, वो सिर्फ इन्हीं डायरेक्शन पे बेस सारे क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आप इनको रीड आउट कीजिए और समझिए कि यहाँ पर आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया पी इज फादर ऑफ आर। तो हमने आपको बताया था कि हम जो मेल कैंडिडेट हैं उनको क्या हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और फादर को कहाँ रखेंगे और उसकी जो सन है उनको कहाँ रखेंगे, या फिर उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, यहाँ पर समझिए पी इज फादर। पी फादर है तो पी ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, पी इज फादर ऑफ आर, और फादर कहा गया है तो ये एक मेल होगा, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं। और फादर ऑफ आर है तो आर को हम यहां पर इसके नीचे रखेंगे, ये ऊपर वाली जनरेशन में रहेगा फादर और ये नीचे वाली जनरेशन में रहेगा। ये बहुत सी बेसिक किसी चीज है, ये आपको अच्छे से क्लियर होगी। बट आर इज नॉट हिज सन, यहां देखिए नेक्स्ट लाइन में इसने ये कह भी दिया है नॉट हिज सन, आर जो है पी का सन नहीं है, तो फिर क्या होगा, अगर सन नहीं है तो क्या होगा, डॉटर होगी। ये कॉमन सेंस आपको यहां पर यूज करना है। इसने बोल दिया है, देखिए पी फादर तो है आर का, लेकिन ये भी कह दिया है कि आर जो है पी का सन नहीं है, तो कॉमन सेंस हमें यूज करना है, अगर सन नहीं है तो क्या होगा, वो एक डॉटर है, तो टी इज द डॉटर ऑफ आर। अब यहां पर आपको देखिए क्या कहा गया, टी इज डॉटर ऑफ आर, आर की डॉटर कहां पर आएगी, आर की डॉटर यहां पर इसके नीचे हम इसको करेंगे, और आर की टी इज डॉटर ऑफ आर कौन है, टी है, और एक डॉटर है यानी फीमेल है, तो हम इसको सर्कल से इंडिकेट करते हैं। यहां बॉक्स से हम मेल को इंडिकेट करेंगे और जो फीमेल को हम यहां सर्कल से इंडिकेट करेंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी, जैसे कि जब सिंबल को मैं किस तरह से कन्वर्ट करना है हमें इनको स्टेटमेंट को। अब नेक्स्ट आपको दिया है यू इज द वाइफ ऑफ पी। अब यू इज वाइफ ऑफ पी, यहां पर P है, P की वाइफ आपकी कहां होगी, P, U is wife of P, U है वाइफ, तो इसको सर्किल में कर दीजिए, वाइफ कहा गया है तो यहां पर हम इनका इस तरह से गठबंधन करा देते हैं और इस सिंबल से हम इनको इंडिकेट करें, डबल साइडेड कर्व एरो से हम इसको हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को जो है इंडिकेट करते हैं, ये एक इसमें मैरिड कपल हो गया है, यू इज वाइफ ऑफ पी, ये भी हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, यहां पर आपसे कहा गया है क्यू ब्रदर है आर का, तो
तो R की पैरेलल जनरेशन में आएगा, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, कौन है, Q है, Q है, ब्रदर है, और तो हम इसको बॉक्स में इंडिकेट करेंगे बॉक्स से, तो यहां पर ये हो गया Q, ब्रदर है, हॉरिजॉन्टल लाइन विद प्लस, हमने कहा था आपसे कि जो सिबलिंग होंगे, जो ब्रदर सिस्टर होंगे या ब्रदर ब्रदर होंगे या सिस्टर सिस्टर, उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन विद प्लस से इंडिकेट करेंगे, तो यहां पर ये हो गया है Q इज ब्रदर ऑफ R, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए S इज द सन ऑफ Q, S इज द सन ऑफ Q, Q आपका यहां है, Q और जो S है यानी जो Q का सन होगा वो नीचे वाली जनरेशन में आएगा, तो यहां पर आपका S हो जाएगा, और ये बता दिया है कि ये एक सन है, तो यानी ये मेल होगा, S इज सन ऑफ Q, बिल्कुल सही बात है, ये अब तक का बिल्कुल जहां तक है यहां तक हमने इसको जो किया बिल्कुल करेक्ट हो गया है, हर स्टेटमेंट को हमने इसको डायग्राम के फॉर्म में, एक पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तब देखेंगे हम नेक्स्ट लाइन, हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है यहां पर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वी इज द वाइफ ऑफ क्यू। इन इंस्ट्रक्शंस को स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से समझना है, एनालाइज करना है, और फिर अपना ये ग्राफ बनाना है। पहले आप इनको अच्छे से समझिए, क्योंकि देखिए इनके बेस पे आपको ये 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखिए हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एस, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, और आप देखते ही इसमें इसका आंसर कर सकते हैं। बस समझना कहाँ है आपको, ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये जो डायरेक्शन दी गई है, इनको अच्छे से समझना है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो हम किस लाइन पर थे, अब हम यहां पर हैं, वी इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू आपका यहां है, वी कहां होगा, इसके पैरेलल जनरेशन में होगी, तो V इज द वाइफ ऑफ Q, वाइफ है तो हम इसको सर्कल से इंडिकेट करेंगे, और क्योंकि फीमेल है और ये एक मैरिड कपल है, तो हम यहां पर इनका भी गठबंधन करा देते हैं, ये भी एक मैरिड कपल यहां पर हो गया है। लास्ट सेंटेंस आपका बचता है, उसको भी रीड कीजिए, समझिए और एनालाइज करके उसको आप इस ग्राफ में फिट कीजिए। W इज द फादर ऑफ V, W इज द फादर ऑफ V, तो V आपका यहां है और V का फादर है W, तो ये आपका यहां आएगा इनके ऊपर वाली जनरेशन में, ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, कौन है, W है, तो W फादर है, तो इसको हम एक बॉक्स से इंडिकेट करेंगे। तो ये आपका जो ग्राफ है इस स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह से ग्राफ को बनाया है। आप एक बार और देखिए, इनको समझिए, अब इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए आप, P इज फादर ऑफ R, P फादर है R का, R ऊपर वाली जनरेशन, P ऊपर वाली जनरेशन में, R नीचे वाली जनरेशन में, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखिए, बट R इज नॉट सन, आर सन नहीं है तो क्या होगी, डॉटर होगी, हमने इसको जैसे उसी सर्कल में कर लिया फीमेल के लिए। टी इज द डॉटर ऑफ आर, टी इज द डॉटर ऑफ आर, ये आर टी इसके नीचे आ गया है क्योंकि इसकी डॉटर है, इसके नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। यू इज द वाइफ ऑफ पी, यू इज द वाइफ ऑफ पी, ये पैरेलल जनरेशन में आएंगे और हमने इनको मैरिड कपल के सिंबल से यहां पर इंडिकेट कर दिया। अब क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू ब्रदर है आर का, तो यहां पर हमने इसको बॉक्स में कर दिया था और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और प्लस के साथ हमने इसको इंडिकेट यहां पर कर दिया था। नेक्स्ट आपके पास है एस इज द सन ऑफ क्यू, एस इज द सन ऑफ क्यू, ये भी सही बात है। अब आपके पास यहां पर दिया वी इज द वाइफ ऑफ क्यू, वी आपका यहां है, क्यू की वाइफ है, तो सर्किल कर दिया, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया यहां पर। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है डब्ल्यू इज द फादर ऑफ वी, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ वी, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट यहां पर बन गया है, एक फैमिली डायग्राम बन गया है पिक्टोरियल फॉर्म में। अब यहां पर आप इजिली देख कर इन सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, आप जल्दी से इनके सभी के आंसर कर लीजिए। देखिए तो स्टूडेंट देखिए, फैमिली डायग्राम आपका यहां पर बनकर ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब इसको आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। देखिए हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एस, एस आपको कहां पर दिया गया, आप इसको इजीली देख सकते हैं, और एस का आपको क्या फाइंड करना है, ग्रैंड मदर कौन है ये बताना है, तो यानी कि ग्रैंड मदर आपके पैटर्नल साइड के जो रिलेशन होते हैं वो होंगे। एस जो है, एस के फादर हैं ये, और इनके फादर के जो फादर हैं ये, क्योंकि ये यहां रिलेशन दिया गया, ये ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो ये पी जो है इसका भी फादर है और इसका भी फादर है, तो क्यू का जो फादर है वो पी है, और ये क्या नहीं क्या हो गया, एस का ग्रैंडफादर हो गया, और ग्रैंडफादर की वाइफ जो यू है वो इसकी क्या होंगी, वो ग्रैंड मदर होंगी। तो यहां पर आपको यही बताना था इस वाले क्वेश्चन में कि इसकी एस की जो ग्रैंड मदर है वो कौन है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर
हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनका आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हु इज द सन ऑफ यू। यू आप देखिए कहां दिया गया है, यू आपको यहां पर दिया गया है, ये इसके हस्बैंड है और पूछा गया है कि सन कौन है, यू का सन कौन है। तो आप यहां देख सकते हैं ये डॉटर है, डॉटर की जो डॉटर है, और यहां पर इसका ये भाई है। तो ये क्या होंगे, इसके इसकी जो सन होगा यू का कौन होगा, वो होगा क्यू। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन क्या दिया है आपको यहां पर, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू। फादर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू का फादर इन लॉ कौन होगा, क्यू कौन है यहां पर, क्यू ये है एक मेल है और इसकी वाइफ है वी। इसकी इसकी जो वाइफ होगी, इसकी वाइफ के पिता क्यू के क्या होंगे, फादर इन लॉ। तो यहां पर आपको बताना है ये फादर इन लॉ क्यू के कौन होंगे, वो होंगे डब्लू। और यहां पर आपको ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट आंसर है। आपको यहां पर ऑप्शन डी मार्क करना है। यहां पर देखिए तीन क्वेश्चन आपने इजीली इनको सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, सबसे पहले आर देखिए कहां पर है, आर ये है, आर ये है, और आर की आर का भाई ये है और भाई की वाइफ ये है यानी भाभी। तो यहां पर इसको भी हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, भाभी को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, तो वी इसकी सिस्टर इन लॉ होगी। तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर भी आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया है। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, हु इज द कजिन ऑफ टी। टी का कजिन कौन है, तो यहां पर आप देखिए टी आपका यहां पर दिया हुआ है, टी की जो मदर है आर है, आर के जो भाई है वो क्यू है यानी इसके मामा हुए तो यानी अंकल, और अंकल के जो सन है वो इसके क्या लगेंगे, टी के अंकल के जो सन है वो क्या लगेंगे, इसके कजन लगेंगे यानी एस जो है इसका आंसर होगा। जो कजन है टी का जो कजन होगा वो एस होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव भी आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया है। देखिए क्योंकि इनका रिलेशन भी आपस में जो है यहां पर जो होगा ये कजिन होगा, ये आपस में कजिन होंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब इसी अप्रोच के साथ हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी मैं यहां पर आपको एक दो क्वेश्चन और समझा देता हूं, आप पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर ये दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको भी रीड आउट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको डायरेक्शन दी गई है, राधा एंड मिनी लाल हैव टू चिल्ड्रन, उनका नाम भी दिया है दिव्या एंड सिमी, राधा एंड मिनी लाल। तो यहां पर आपका जो है, यहां पर इसको देखिए, ये राधा हो गई एंड मिनी लाल, राधा एंड मिनी लाल हैव टू चिल्ड्रन जो कि है दिव्या एंड सिमी। तो यानी कि ये मैरिड कपल है ये राधा, चलिए अभी हम इसको नहीं करते हैं, ये मैरिड कपल, इसको हम मैरिड कपल से इसको इंडिकेट कर देते हैं। इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है दिव्या एंड सिमी। तो यहां से इसको मैं कर देता हूं, देखिए एक दिव्या है और एक सिमी है। अब नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, दिव्या गॉट मैरिड टू अनुज। दिव्या की जो शादी है, दिव्या के अनुज के साथ इसकी शादी हुई, तो अनुज ये भी एक मैरिड कपल हो गए यहां पर। अब नेक्स्ट आपको दिया है, हु इज द सन ऑफ मधु। अब स्टूडेंट यहां पर आप एक चीज समझिए, हु आपको यहां पर दिया है, हु का मतलब क्या होता है, हु हमें किसके लिए कंसिडर करना है, हु हमें यहां पर अनुज के लिए कंसिडर करना होगा क्योंकि हु जिसके पास होता है उसका रिलेशन उसी से होता है। यानी यहां पर कहा गया दिव्या गॉट मैरिड टू अनुज, अनुज हु इज, यानी अनुज हु इज द सन ऑफ मधु, अनुज सन है मधु एंड जब्बर यहां पर दिया गया है। तो अनुज जो है, अनुज के फादर और मदर और फादर कौन होंगे यहां पर, ये इसके ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, तो मधु एंड जब्बर। यहां पर
मधु एंड जब्बर, ये इसके पेरेंट्स हो गए अनुज के। अब नेक्स्ट आपको दिया है रेशमा इज द डॉटर ऑफ अनुज। अब रेशमा इज द डॉटर ऑफ अनुज, अनुज यहां है, अनुज के नेक्स्ट जनरेशन में आएगी उसकी डॉटर रेशमा, उसका नाम है यहां पर दिया गया है। रेशमा इज द डॉटर ऑफ अनुज। अब अनुज सिस्टर किरण गॉट मैरिड टू सुबोध। अब यहां पर देखिए अनुज की सिस्टर है, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये क्या है, अनुज की सिस्टर कौन है, किरण, और किरण हम यहां पर कर लेते हैं इसको, किरण गॉट मैरिड टू सुबोध, यानी सुबोध के साथ इनकी शादी हुई किरण की, सुबोध, और ये भी एक मैरिड कपल है यहां पर। अब यहां पर इसको सिस्टर कहा गया है तो आप इसको जो है सर्किल में भी कर सकते हैं, यहां पर इसको सर्किल में कर सकते हैं, और यहां पर आप इसको जो है बॉक्स में कर सकते हैं। मेल को आप जो है बॉक्स में, और फीमेल को जहां जहां फीमेल आपको पता है वहां पर आप इसको सर्किल में कर सकते हैं, फीमेल के लिए सर्किल का यूज आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन आपको यहां पर दी गई है, एंड तरुण एंड अमन आर देयर सन। यहां पर आप देखिए किरण की शादी जो होती है सुबोध के साथ होती है, और तरुण एंड अमन आर देयर सन, इन दोनों के जो बच्चे हैं तरुण और अमन है इन दोनों के, तो यहां पर हम इसको कर लेते हैं तरुण एंड अमन, ये भी सिबलिंग है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और प्लस से हमने इनको इंडिकेट किया है, तरुण एंड अमन आर देयर सन, ये हो गया। अब लास्ट में आपको एक लाइन दी गई है, तरुण इज द ग्रैंड सन ऑफ मधु। तरुण जो है, तरुण मधु का ग्रैंड सन है, ये बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये हो रहा है, देखिए यहां पर क्योंकि ये इसके ग्रैंड सन है, यहां पर मधु का तरुण मैटरनल साइड से ये इसका ग्रैंडसन होगा, क्योंकि यहां पर जो है तरुण की जो मदर है वो किरण है, और किरण की मदर है मधु, और इन्होंने यहां पर कहा है आपसे कि तरुण इज ग्रैंडसन ऑफ मधु एंड जब्बर, तो इन दोनों के, ये भी एक मैरिड कपल है यहां पर, इन दोनों के ये जो होंगे ग्रैंडसन है। अब यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां पर जो दिया है, What is the relation between Aman and Reshma? तो यहां पर आप देखिए Aman and Reshma कहां पर है, Aman और Reshma के बीच में आपको एक relation establish करना है, तो यहां पर क्या करेंगे आप, ये Aman है और ये Reshma है। अब देखिए Aman, Aman की जो mother है अनुज की, अनुज की बहन है, तो Aman के ये क्या लगे, मामा लगे, तो इसके मामा यानी अंकल, अंकल की जो डॉटर होंगी इनकी क्या लगेंगी, ये कजिन लगेंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, तो यहां पर कजिन इसका आंसर होगा। ये जो है क्वेश्चन में कहा गया अमन एंड रेशमा, ये क्या होंगे, आपस में कजिन होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज सुबोध रिलेटेड टू जब्बर। अब देखिए सुबोध और जब्बर का क्या रिलेशन है, सुबोध आपका कहां पर है, यहां है, और जब्बर आपका यहां है। सुबोध की जो, जब्बर की जो डॉटर किरण है, किरण की शादी हुई है इनके साथ, यानी क्या कौन पूछा है, सुबोध, सुबोध रिलेटेड किस तरह से है, सुबोध जो है जब्बर का क्या होगा यहां पर, सन इन लॉ। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर टू है इसका आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपसे सुबोध पूछा है इसलिए आपको सुबोध का रिलेशन बताना है जब्बर के साथ क्या है। अगर ये पूछता है यहां पर कि जब्बर, जब्बर रिलेटेड टू सुबोध, तो जब्बर यहां पर होता फादर इन लॉ, तो इस तरह से आपको समझना है आंसर आपको क्या करना है। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पर, हाउ इज रेशमा रिलेटेड टू किरण। किरण आपका कहां है और रेशमा कहां है, रेशमा, रेशमा को पूछा गया, रेशमा इज रिलेटेड टू किरण। रेशमा अनुज की डॉटर है और अनुज का भाई, अनुज की जो सिस्टर है वो कौन है, किरण है, तो रेशमा की ये क्या लगेंगी, रेशमा, रेशमा किरण की क्या लगेंगी, यहां पर भांजी लगेंगी, तो ये क्या होगा यहां पर, निफ्यू हो जाएगा, तो यहां पर ये फीमेल है तो ये नीस यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए यहां पर क्या दिया गया है, हाउ इज दिव्या रिलेटेड टू किरण। दिव्या देखिए आप कहां पर दिया गया है, दिव्या, दिव्या रिलेटेड टू किरण, दिव्या किरण की क्या लगेंगी यहां पर,
अब देखिए आप इसको समझ सकते हैं, ये एक जो है पैरेलल जनरेशन है, दिव्या और अनुज एक मैरिड कपल है यहाँ पर, दिव्या और अनुज आप इसको ऐसे समझिए, ये दिव्या है और ये अनुज है, ये एक मैरिड कपल हैं। और दिव्या की फिर ये क्या लगेंगी, ये दिव्या की क्या लगेंगी, ये ननद लगेंगी, और किरण की दिव्या क्या लगेंगी, भाभी लगेंगी, क्योंकि किरण के भाई की वाइफ हैं। और तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया दिव्या, दिव्या होंगी इसकी यहाँ पर सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी, तो आप इसको क्या आंसर करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मार्क करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, यहाँ पर आपको ये आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए अमन इज द सन ऑफ सिमी, देखिए अमन यहाँ पर है और सिमी वहां है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आपका रॉन्ग है। मधु इज द मदर इन लॉ ऑफ सुबोध, मधु यहाँ है, मधु इज द मदर इन लॉ ऑफ सुबोध, ये बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, तो ये आपका ये एक क्योंकि फीमेल है, मधु यहाँ पर फीमेल है और ये जब्बर है, तो मधु क्या होंगी सुबोध की मदर इन लॉ, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है, इस तरह से जो पजल फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे सबसे पहले आपको डायरेक्शंस को रीड करना है, उनको एनालाइज करना है और उसके बाद आपको इसका का फैक्टोरियल डायग्राम बनाने के बाद इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये अपने आप इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे, बस आपको ठीक से ये डायग्राम बनाना है। आई होप कि ये वाला भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा जो सिंपल ब्लड रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे उनको किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखते हैं कि हमारे जो ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन, जो प्रोफेशन के साथ आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं वो हमारे किस तरह के होंगे। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, ये आपका जो है क्वेश्चन इस तरह से है, ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन, इसमें आपको कुछ प्रोफेशन यानी कि जो फैमिली मेंबर्स है वो क्या काम करते हैं यहाँ पर इसमें वो भी दिया जाएगा, और ये आपको ध्यान से समझना है क्योंकि पजल फॉर्म में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो डायरेक्शन दी गई है वो क्या दी गई है, P, Q, R, S, T and X are members of a family. ये 6 members आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और ये एक family member हैं. There are 2 married couples. अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. There are 2 married couples. 2 married couples. Q is an engineer. यहाँ पर आपको दिया गया है तो इसको अब लिख लेते हैं यहाँ पर. देखिए Q है और वो एक इंजीनियर है जो कि एक इंजीनियर, क्यू इज एन इंजीनियर एंड फादर ऑफ टी, और ये फादर है किसका, यहां पर ये टी का फादर है तो हम इसको बॉक्स में कर देंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि ये मेल है, फादर ऑफ टी, यहां पर यहां तक क्लियर है। और अब नेक्स्ट आपको कहा गया है X इज द ग्रैंडफादर ऑफ R, X और R का यहां भी हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है तो हम इस तरह से उसको लिख लेते हैं, X ग्रैंडफादर है किसका, R का, तो यानी R के फादर होंगे X, तो ये इस तरह से हो गया। और अब नेक्स्ट आपको दिया गया जो कि एक लॉयर है, यहां पर यह भी चीज ध्यान रखनी है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कहा गया है X इज द ग्रैंडफादर ऑफ R एंड इज ए लॉयर। स्टूडेंट जब भी आपको एंड यहां पर दिखाई देगा तो सेंटेंस में इसमें जो है एंड का जो कंसिडर करना है आपको, जो स्टार्टिंग में है एंड इसके सेंटेंस के उसको कंसिडर करना है, यानी जो एंड की बात हो रही है वो एक्स के लिए हो रही है, यानी जो लॉयर है वो एक्स है, तो यहां पर ये लॉयर हो जाएगा, एक्स जो है एक लॉयर है, इसको हमने यहां पर इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट आपको दिया गया है S इज द ग्रैंड मदर ऑफ X, अब यहां पर देखिए आपको कहा गया है S, S इज द ग्रैंड मदर ऑफ T, यानी T आपका कहां है, T आपका यहां है और S जो है उसकी ग्रैंड मदर है, तो S कहां आएगी, S आपकी यहां आएगी, फीमेल है, ग्रैंड मदर है तो यानी फीमेल है ये, हमने इसको सर्कल में कर दिया और T की ये ग्रैंड मदर हो गई। अब
एंड इज हाउसवाइफ, और इनका प्रोफेशन मतलब भी दिया है, ये क्या है हाउसवाइफ को हम चलिए एच डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, यहां पर एच डब्ल्यू हम लिख लेते हैं इसको। अब एस हाउसवाइफ है। अब आगे आपको कहा गया देयर आर वन इंजीनियर, ये बिल्कुल सही बात है, ये हो गया इंजीनियर। वन लॉयर, एक्स जो है लॉयर हो गया। वन टीचर, अभी टीचर का हमें नहीं पता है। एंड हाउसवाइफ ऑफ एंड वन हाउसवाइफ, ये हाउसवाइफ यहां पर हो गई है। एक और एंड टू स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर आप समझिए कि ये इसके थर्ड जनरेशन में, यानी आर जो है टी से आर का रिलेशन होगा, जो पैरेलल जनरेशन में होंगे। अब यहां पर आप एक बात और समझिए, यहां पर कहा गया है वन हाउसवाइफ एक फीमेल है और इसमें दो मैरिड कपल है। यहां पर जो है सबसे पहले हमने इसको अंडरलाइन किया था, टू मैरिड कपल है, इनमें एक एस है सबसे ऊपर जो है, एस है जो आप इनके ग्रैंड मदर हैं, और यहां पर एक्स दिया है जो ग्रैंड डॉटर है। तो यानी ये क्या होगा, सबसे पहला मैरिड कपल होगा ये, तो यहां पर एक्स होगा, ये एक मैरिड कपल है तो हम उसको इससे इंडिकेट करते हैं। अब क्या होगा, देखिए यहां पर एक बात और कहिए, जो एक फीमेल थी वो तो हाउसवाइफ है, और दूसरी यहां पर क्या कहा गया है, एक और मैरिड कपल है, यानी इसकी जो यहां पर इसकी जो वाइफ होंगी, क्योंकि ये इसका सन है यहां, मतलब यहां इसकी ये जो है ये इसका पेरेंट है, टी का जो है पेरेंट वो आर है, क्यू है, और आर का भी जो पेरेंट होगा वो क्यू क्यू में से ही क्यू ही होगा जो इसकी वाइफ होंगी। वो देख लेते हैं कौन है यहां पर, तो ये एक फीमेल है, और कौन बचा यहां पर, पी क्यू आर एस, आर भी हो गया पी। अब यहां पर सिर्फ पी बचता है, तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं पी, और ये भी एक मैरिड कपल हो गया यहां पर, क्योंकि देखिए हमें यहां स्टार्टिंग में कहा गया था कि देयर आर टू मैरिड कपल्स, तो ये ग्रैंड मदर थी और ये ग्रैंड डॉटर थे, तो यानी कि एक तो मैरिड कपल ये हो जाएगा, और दूसरा मैरिड कपल क्या होगा यहां पर जो बचेगा, देखिए अब दूसरा क्या कहा गया यहां पर, जो फर्स्ट जो थी यहां पर वो तो थी हाउसवाइफ, फर्स्ट फीमेल यहां पर हाउसवाइफ थी। एक जो यहां पर जो ये फादर है ये इंजीनियर है, तो जो इनकी मदर होगी वो टीचर होंगी, यहां पर जो है पी टीचर है, और एक्स आपको लॉयर दिया गया है। अब स्टूडेंट देखिए आर भी रहता है यहां पर, तो हम इसको भी इसी में मर्ज कर देते हैं, तो आर जो है वो टी का ही जो सिबलिंग होंगे ये, क्योंकि क्या कहा गया एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, और यहां पर कहा गया एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ आर, ये कहा गया था, तो ये आपके इस तरह से हो जाएंगे, तो यहां पर ये पैरेलल जनरेशन में आ जाएंगे, और इनके बीच में प्लस का, यानी ये सिबलिंग है, एक ही पेरेंट की ये एक ही माता पिता की संतान है दोनों, तो इस तरह से आपका ये फैमिली ट्री यहां पर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बेस पर आपको अपने आंसर करने हैं, सारी कंडीशंस जो इसमें दी गई थी हमने उसके बेस पर ये डायग्राम बना दिया है। अब आपको इनका क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसी डायग्राम के बेस पे इनका आपको आंसर करना है। आई होप कि ये डायग्राम बनाना आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। देखिए यहां पर मैं आपको एक बार और इसको दोबारा से समझा देता हूं, देयर आर टू मैरिड कपल्स, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना था, ये टू मैरिड कपल हो गए। एक्स इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर, ये हमने पहले अलग लिख लिया था क्योंकि इनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा था पहले, तो एक्स एंड इज ए लॉयर, ये चीज नहीं आपको यहां पर सीखने को मिली होगी, एंड है सेंटेंस में जो पहले आता है उसके लिए ये यूज होता है, यहां पर ये भी चीज समझने की है। एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, एस को हमने यहां लिख लिया था, टी की ग्रैंड मदर है यानी इसके फादर की मदर होंगी, ये इस तरह से है, और वो एक हाउसवाइफ है, यहां पर इस तरह से ये हमने इसको लिख लिया। अब देयर आर वन इंजीनियर, वन लॉयर एंड वन टीचर, ये हमने पी को कर दिया, और ये हाउसवाइफ, और दो स्टूडेंट जो कि आपके सबसे थर्ड जनरेशन में यहां पर आएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये आपका जो है एक पिक्टोरियल डायग्राम यहां पर बन गया है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। देखिए आप देखिए मेल मेंबर्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, यहां पर आप इसको अगर चेक करें, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका ये एक्स है, एक्स और क्यू यहां पर है जो कि मेल है इस वाले में। हम इनका नहीं कह सकते कि ये दोनों क्या है क्योंकि इनका जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है, तो हम इनको नहीं कह सकते ये मेल हो, इनमें से कौन सा है फीमेल कौन सा, तो ये दोनों फीमेल भी हो सकती हैं और दोनों मेल भी हो सकता है। जो क्लियर दिखाई दे रहा है वो है आपका दो, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, तो यानी इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर करना है आपको वो करना है ऑप्शन नंबर बी,
जो आपको क्लियर विजिबल हो रहा है यहाँ पर, यानी दो मेल मेंबर्स आपको यहाँ पर क्लियर विजिबल हो रहा है, ये डॉटर भी हो सकती हैं, ये डॉटर भी हो सकती हैं और मेल भी हो सकते हैं। इसलिए जब क्लियर नहीं है तो आंसर आप करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, अमंग द फॉलोइंग हु इज द स्पाउस ऑफ क्यू, यानी जो क्यू की जो क्यू का जो हस्बैंड या फिर वाइफ होंगी वो क्या, क्यू यहाँ पर हस्बैंड है तो इसकी जो स्पाउस है वो क्या है, वो पी है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री स्टूडेंट्स क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पी, पी आपका यहाँ दिया है और पी का जो प्रोफेशन है वो यहाँ पर टीचर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर है, अमंग द फॉलोइंग हु इज द फादर ऑफ आर, आर आपका देखिए यहां पर है थर्ड जनरेशन में है और फादर इनके कौन है, यहां पर आपको पता है जो कि इंजीनियर है वो है क्यू, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, यहां पर आपको इसका क्या आंसर करना, हाउ इज टी रिलेटेड टू एक्स, यहां पर टी दिया है, टी जिसका जेंडर क्लियर नहीं है, हाउ इज टी रिलेटेड टू एक्स पूछा गया है कि टी का एक्स के साथ क्या रिलेशन है, टी किस तरह से एक्स के साथ संबंधित है, तो देखिए यहां तो पता है कि ये ग्रैंडफादर है, अगर ये पूछा जाता हाउ इज एक्स रिलेटेड टू टी तो आप इसका आंसर कर देते कि ग्रैंडफादर, लेकिन इस बार यहां पर पूछा गया है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू एक्स, तो टी का रिलेशन क्या है इसके साथ, हमें ये नहीं पता कि इसकी ग्रैंड डॉटर है या फिर ग्रैंड सन है, तो यहां पर आप ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, तो आप जो इसका आंसर करेंगे यहां पर करेंगे आइदर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि यहां पर जो है इस वाले इस डायग्राम में पिक्टोरियल डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो यहां पर स्टूडेंट भी हैं और इन दोनों के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि ये इनमें ग्रैंडसन है कौन सा है और ग्रैंड डॉटर कौन सा है, या तो ये ग्रैंडसन है या फिर ग्रैंड डॉटर है टी। तो चलिए स्टूडेंट आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह से एग्जाम में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, अब कुछ क्वेश्चन आप यहां पर प्रैक्टिस कीजिए उनकी, तो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको किस तरह से इनको सॉल्व करना है। यहां पर देखिए ये एक क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको यहां पर 5 मिनट का टाइम 5 क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स दे देता हूं पहले, और उसके बाद आप इसको मैं बताऊंगा इनका कि हमारा आंसर इसका क्या आएगा।
तो चलिए स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप। आई होप कि आपने इस वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या डायरेक्शन दी गई है, यहाँ पर आप इसको समझेंगे। जिनका आंसर नहीं आया है, ए इज मैरिड टू बी, यहाँ पर आपको जो सबसे पहले स्टेटमेंट दी है, अब आप इसको इस तरह से कर लीजिए। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बस वन बाय वन आपको चलना है। यहाँ पर ए है, ए इज मैरिड टू बी, तो ये एक मैरिड कपल है, तो इनको आप इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट आपको एंड एल इज एज ब्रदर इन लॉ। अब आपको कहा गया है कि जो एल है, ए का ब्रदर इन लॉ है, यानी इसके स्पाउस का वो ब्रदर होगा, तो यानी कि यहां पर आप इसको कर सकते हैं, इसको इस तरह से। एल यहां पर है तो ब्रदर इन लॉ है, तो ये मेल कैंडिडेट है, एक मेल मेंबर है इस फैमिली का, तो ये दोनों सिबलिंग होंगे। यहां पर हमने इसको कर दिया, यहां पर जो है ब्रदर सिस्टर ये या ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट क्या कहा गया है, ए हैज टू डॉटर्स। अब ए की दो डॉटर हैं, ए की दो डॉटर हैं, एक यहां है और एक यहां है, ये ए की दो डॉटर हो गई यहां पर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, आई इज द कजिन ब्रदर ऑफ जे एंड इज द ब्रदर ऑफ के। अभी यहां पर चलिए इस लाइन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई भी जो मेंबर है हमें यहां पर नहीं मिला जिनसे रिलेट करता हो, तो इस वाले को हम सबसे बाद में भी देख सकते हैं। जहां पर भी इनसे कोई रिलेट करेगा वहां पर हम इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ई एंड एफ आर बीज सन, यानी बी आपका यहां पर है, ई एंड एफ आर बीज सन इन लॉ, यहां पर कहा गया सन इन लॉ, तो यहां पर आप इसको समझेंगे। तो इनके सन इन लॉ यानी इन दोनों के सन इन लॉ, इसकी जो डॉटर है यानी ये इनके हस्बैंड होंगे, ये एक यहां पर हो जाएगा, एक आपका यहां आ जाएगा और एक आपका इस तरफ आ जाएगा, और ये दोनों मैरिड कपल होंगे, इनकी इसके साथ और इसकी शादी इसके साथ। तो यहां पर ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ई एंड एफ आर बीज सन इन लॉ, यानी कि इनकी जो डॉटर्स हैं, इनके जो हस्बैंड होंगे वो इनके सन इन लॉ होंगे। तो अब नेक्स्ट आपके पास क्या दिया है उसको देखिए, ई हैज टू डॉटर्स। अब ई हैज टू डॉटर्स एंड वन सन, यहां पर आपको कहा गया है, देखिए यहां पर आपको कहा गया ई एंड एफ आर बीज सन इन लॉ, तो ई आपका हम यहां कर लेते हैं, इनकी जो बेटी हैं बी की, उनके साथ उनकी शादी हुई है, तो ई एंड एफ आपके यहां पर आ गए और ये मैरिड कपल हैं। अब कहा गया है ई हैज टू डॉटर्स, ई के दो बेटियां हैं, तो हम इसको भी यहां पर कर लेते हैं, ये यहां हो जाएगा और ये यहां पर आ जाएगी। ई हैज टू डॉटर्स एंड वन सन, अब ई के वन एक बेटा भी है, वन सन, और ये पैरेलल जनरेशन है और ये सिबलिंग है, तो हम यहां पर इनको इस तरह से कर देते हैं। नेक्स्ट आपको कहे एफ हैज वन सन एंड वन डॉटर, एफ एफ हैज वन सन, यहां पर हम इसको कर लेते हैं, एक सन है और एक डॉटर है। यहां पर अभी क्लियर नहीं है कि इनमें कौन सा सन है और कौन सा कौन सन है, यानी ई एफ जी एच में से कौन है। अब नेक्स्ट आपको कहा गया है G एंड H आर टू डॉटर्स ऑफ C. G एंड, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, थोड़ा ट्रिकी है ये, G एंड H आर टू डॉटर्स। सबसे पहले तो आप देखिए किसकी दो डॉटर हैं, यहां पर जो है इसकी दो डॉटर हैं, और किस, अब यहां पर स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, G एंड H आर टू डॉटर्स ऑफ C. तो G और H तो आप सबसे पहले इनको कर लीजिए, और किसकी हैं, सी की हैं, यानी इसकी ये फादर है इनका, तो यानी इनकी मदर कौन होगी, वो सी हो जाएगी। ये इस तरह से आपको समझना है इसको। अब नेक्स्ट आपके पास दिया गया है के एंड ए शेयर ए ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड रिलेशनशिप। अब यहां पर आपको स्टूडेंट्स देखिए इसको क्या कहा गया है, यहां पर के एंड ए आपका यहां है और ये कह रहा है के एंड ए शेयर अ ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड रिलेशनशिप, यानी कि के जो है ए की ग्रैंड डॉटर होगी और ए के साथ उसका ग्रैंड रिलेशनशिप है। और आप यहां देख सकते हैं क्योंकि ये इसकी जो है मदर है, मदर के फादर है ए,
यहां पर आप देख सकते हैं, और यहां पर हम करेंगे इसको, के आपकी कहां आ जाएगी, यहां पर आएगी, के एंड ए शेयर ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड रिलेशनशिप। अब यहां पर तो समझिए, इसके जो मदर है यहां पर होंगी और इसके फादर हैं ए, तो यानी कि मैटरनल ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर इसके हो सकते हैं। तो ये इन्होंने यहां पर कहा है के एंड ए शेयर ए ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड रिलेशनशिप, ये कंडीशन भी यहां पर फुलफिल हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट आपको लास्ट में क्या कहा गया है, डी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस फैमिली। तो यहां पर अभी आपको देखिए दो तीन चीजें नहीं मिली हैं, एक स्टेटमेंट हमने यहां पर छोड़ दी थी जो हमें बाद में देखनी थी। इसमें देखिए क्या कहा गया था, आई इज द कजिन ब्रदर ऑफ जे एंड इज द ब्रदर ऑफ के। अब देखिए आई यहां पर कहा गया इज द कजिन ब्रदर ऑफ जे एंड द ब्रदर ऑफ के, तो यानी आई एक तो आपका यहां आ जाएगा, यानी के का तो ब्रदर है और कजिन ब्रदर है, कजिन ब्रदर ऑफ जे। तो कजिन ब्रदर किस तरह से होंगे, इसकी जो मदर है, आई की जो मदर है यहां पर, इनके ये इनकी ये आंट होंगी और इनके जो बच्चे होंगे ये इनके कजिन ब्रदर या सिस्टर होंगे। तो यहां पर इन्होंने कहा है कजिन ब्रदर, तो आप इसको मेल बॉक्स में कर देंगे। यहां पर ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। लास्ट में आपको कहा गया है D is also member of this family, तो यहां कौन बचा है, यहां पर सभी में जो है D आपका यहां पर आ जाएगा, तो जो कि एक फीमेल है, यहां पर हमने सर्कल के अंदर इसको कर दिया। तो इस तरह से आपका ये जो फैमिली डायग्राम है कंप्लीट अब बन गया है। यहां पर तीन मैरिड कपल हैं ये आपने देखा, और ये इनके E और C के बच्चे ये हैं, D और F के जो बच्चे हैं ये, और इनको भी आप इस तरह से कर दीजिए, ये भी सिबलिंग है। अब ये आपका फैमिली डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इस पिक्टोरियल डायग्राम की हेल्प से इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाउ इज सी रिलेटेड टू आई, सी आपका यहां पर दिया है और आई आपका यहां दिया है, सी का रिलेशन पूछा है आई से, तो आप क्या कहेंगे, सी इसकी क्या लगेंगी आई की, क्योंकि आई की मदर की सिस्टर है, तो ये क्या लगेंगी इनकी, मौसी को बोलते हैं आंट, तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जी इज बी इज व्हाट, तो यहां पर आपको क्या करना है, जी कहां है, जी यहां है, जी का बी के साथ क्या रिलेशन है, जी एक फीमेल है और बी आपका यहां पर दिया हुआ है, ग्रैंड रिलेशन है इसके साथ, और ये मैटरनल ग्रैंड मदर होंगी बी, तो ये क्या है इसकी ग्रैंड डॉटर होंगी। तो यहां पर जो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप करेंगे, यानी जी इज बी इज ग्रैंड डॉटर। अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया है उसको भी देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कहा गया है हाउ इज एल रिलेटेड टू डी, एल आपको कहां दिया गया है, एल आपका यहां है और डी आपको कहां है, डी आपका यहां है, तो एल इज रिलेटेड टू डी ये आपसे पूछा गया है, तो एल का रिलेशन डी के साथ क्या होगा। देखिए ये जो है इनके डी के जो ये मदर फादर, ये जी डी के जो पेरेंट्स हैं उनका ये भाई है, जी डी के जो पेरेंट्स हैं उनमें से एक का ये भाई है, तो ये क्या होगा, इनका अंकल होगा, मामा भी हो सकता है और चाचा या ताऊ भी हो सकता है, तो इसको कॉमनली हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो अंकल करेंगे, और यहां पर जो आंसर ऑप्शन में मार्क करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेंगे, तो एल इज रिलेटेड टू डी, एल इज अंकल ऑफ डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, अब डी रिलेटेड किस तरह से है ई के साथ। अब यहां पर देखिए डी पूछा है, तो ध्यान देना है आपको, डी यहां है, डी एक फीमेल है और ये दोनों सिबलिंग हैं आपस में, ये दोनों सिबलिंग हैं, तो ये दोनों सिस्टर हैं आपस में, डी की सिस्टर का हस्बैंड है ई, तो यानी कि पूछा गया है डी के बारे में, तो डी इसकी क्या लगेगी, डी इसकी क्या, ई की वाइफ की सिस्टर है, तो यानी साली लगेंगी और सिस्टर इन लॉ, यहां पर आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए, हाउ इज ई रिलेटेड टू ई सी, ई रिलेटेड टू सी यहां पर पूछा गया है, ई आपका यहां है और सी आपका यहां पर दिया हुआ है, ई किस तरह रिलेटेड है सी के साथ, ई हस्बैंड है सी का, तो आप ई का रिलेशन बताएंगे, यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो कि हस्बैंड है।
तो स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चन आई होप कि आपने खुद ही इजीली सॉल्व कर लिए होंगे, और अगर जिनका आंसर नहीं आया था अब उनको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे पहले इन डायरेक्शन के हिसाब से आपको अच्छी तरह से इस पिक्टोरियल डायग्राम को बनाना है, इस फैमिली ट्री को बनाना है, उसके बाद आपको इन वाले क्वेश्चंस का आंसर करना है। जो भी टाइम आपको लगना है वो इसमें लगना है, फिर जो आंसर हैं आपके इजीली जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसको बहुत ध्यान से, जो डायरेक्शन दी गई हैं इनको बहुत ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आप इनका आंसर कीजिए।